नमस्कार, सविता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, हम अपने भाइयों के लिए मीठा लेके जाते हैं, तो इस बार हम चॉकलेट लेके जाएंगे। चॉकलेट आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। चॉकलेट कई तरह से बनाई जाती है। आज मैं आपको ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी और कुछ सिंपल चॉकलेट आपको बनाना सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको और भी तरह के चॉकलेट्स मैं सिखाऊंगी। तो आइए हम चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ती है, ये मैंने मॉड की चॉकलेट ली है जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, और एक मॉड की मैंने ली है मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। डार्क कंपाउंड चॉकलेट जो होती है वो थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन मिल्क कंपाउंड चॉकलेट जो होती है वो मीठी होती है। और मैंने उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसके अंदर मैंने 7-8 वॉलनट्स लिए हैं, कुछ चॉको चिप्स लिए हैं, 8-9 मैंने बादाम, 8-9 मैंने काजू, और कुछ मैंने किशमिश लिए हैं। ये मैंने चॉकलेट बनाने के लिए मोल्ड्स लिए हैं, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, या अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएंगे ये वाले मोल्ड्स। मेरे पास 3 तरह के मोल्ड्स हैं, देखिए इसमें अलग अलग शेप्स बनी हुई हैं, और मोल्ड को आप उल्टा करके देखना तो ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये थोड़ा सा हार्ड है इसका मोल्ड जो है, तो इस तरीके के मोल्ड होने चाहिए। और सिलिकॉन में भी मोल्ड्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं हो तो ये मेरे पास एक गोलगप्पे का था कवर, तो उसको भी मैंने रख लिया है, तो आप इसके अंदर भी बना सकते हैं डाल के, लेकिन आप इसको पीछे से चेक कर लेना कि ये हार्ड है या नहीं है। और चॉकलेट को हमेशा हमें डबल बॉयलर में बनाना होता है। पहले मैंने एक भगोने के अंदर पानी लिया है, पानी के ऊपर अब पहले मैं एक कांच का बोल रखूँगी। आप कांच के बोल में ही बनाना तो अच्छी बनेगी आपकी चॉकलेट, स्टील के बोल के अंदर चिपक जाती है, लेकिन ये पानी से टच नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने इसको पानी के ऊपर रख रखा है उसी तरह से आप इसको रखना, कि सिर्फ हीट लगनी चाहिए। अब चॉकलेट में डालने के लिए कुछ मैं नट्स को काट लेती हूँ। ये सबसे पहले मैं वॉलनट्स को काट रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो इसके 2 पीस भी कर सकते हैं, और आप इसके ऐसे करके 4 पीस भी कर सकते हैं। तो मैं सारे वॉलनट्स को काट लेती हूँ, मैं इनके 4 पीस कर रही हूँ। ये देखिए सारे कट गए हैं, ये चॉको चिप्स है। अब इसी तरह से बादाम को पहले मैंने 2 पीस में करा है, अगर आप चाहें तो 2 पीस में भी इसको बना सकते हैं और इसको 4 पीस में भी बना सकते हैं। तो मैं बादाम भी 4 पीस में काट रही हूँ, ये देखिए सारे बादाम कट के तैयार हो गए हैं। अब मैं काजू काट रही हूँ, काजू के भी इसी तरह से मैंने 4 पीस कर दिए हैं। ये देखिए, पहले आप 2 करेंगे, 2 करने के बाद फिर आप इसको 4 कर लेंगे। सारे काजू भी कट के तैयार हो गए। अगर आप चाहें तो आप किशमिश के भी 2 पीस कर सकते हैं, लेकिन इसके आप 4 पीस मत करना, लेकिन किशमिश अगर आप साबुत डालेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम पहले कंपाउंड्स को इनको काट लेते हैं। पहले मैं ले रही हूँ मिल्क कंपाउंड, ये देखिए इसकी 4 बार होती हैं, मैं 3 बार यूज़ कर रही हूँ इसकी। तो अब पहले मैं इसको काट लेती हूँ अच्छी तरह से। पहले आप बीच में से अलग करिए, फिर इसके छोटे छोटे इसके पीस कर लीजिए। ये देखिए, जैसे मैं इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ इस तरीके से, चॉकलेट मेरी सारी कटने वाली है मिल्क कंपाउंड। ये देखिए सारी कट गई है। इसको अब पहले मैं बोल में डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारी चॉकलेट अपनी मिल्क कंपाउंड बोल में डाल ली है। अब मैं ले रही हूँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट, इसके भी मैंने 2 बार यूज़ करे हैं, इसके भी 4 बार होते हैं, 2 बार मैंने हटा दिए हैं। अब इसको भी मैं छोटा छोटा काट रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी होती है तो मैंने इसीलिए इसको कम लिया है। अब मैं इसको मिल्क कंपाउंड के अंदर मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब डबल बॉयलर के अंदर पानी गर्म हो गया है। ये देखिए, पहले पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद आप बोल को रखें। बोल इसमें टच नहीं होना चाहिए, पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए, और इसको आप मिक्स करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। चॉकलेट को आप छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो चॉकलेट ख़राब हो सकती है। और इसको आपको बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसको पिघलाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए आप एक बार गैस को तेज़ करने के बाद उसको मीडियम टू लो पे कर दें। अभी देखिए चॉकलेट पिघलनी शुरू हो गई है। अगर आप चाहें तो आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं गर्म, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी करके देर में गर्म करना पड़ेगा। पहले आप 30 सेकंड्स के लिए गर्म करेंगे,
आप उसको चॉकलेट को मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर आप दोबारा से उसको माइक्रोवेव में गर्म करेंगे, फिर 30 सेकंड्स के लिए करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी होनी चाहिए। आप मेरी तरह चॉकलेट बना के अपने भाइयों के लिए लेके जाना और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने चॉकलेट बनाई तो आपकी कैसी बनी। आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक टिप्स को फॉलो करना तो आपकी चॉकलेट्स बहुत ही अच्छी बनेंगी और बहुत ही मिनटों में बहुत सारी बनके तैयार हो जाएंगी। अब चॉकलेट बनके तैयार हो गई है, एकदम पिघल गई है, दोनों चॉकलेट मिक्स हो गई है। अब मैं सबसे पहले बना रही हूँ प्लेन चॉकलेट, तो ये सिर्फ मैं मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ। इसको आप ध्यान से डालें चॉकलेट को, थोड़ा सा पहले ठंडा कर लें और साइड में जो अगर आपकी चॉकलेट मोल्ड में लग जाती है तो आप इसको नाइफ से हटा सकते हैं। थोड़ा सा इसको टैप कर दें ताकि इसमें जो एयर बबल्स हों वो भी भर जाए। अब मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट वाली, तो मैंने पहले थोड़ी थोड़ी इसके अंदर चॉकलेट डाली है, आधी आधी चम्मच मोल्ड्स में मैं डाल रही हूँ। अब बीच में मैं वॉलनट डाल रही हूँ, कभी बादाम डाल रही हूँ और कभी मैं काजू भी डाल रही हूँ। तो ये आप बीच में कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी चॉकलेट हम और भर देंगे इसके अंदर ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके बीच में आ जाएंगे और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब देखिए मैं दूसरा मोल्ड भरने के लिए तैयार हो गई हूँ। ये देखिए दूसरा मोल्ड मैं भर रही हूँ इसके अंदर। इसमें भी मैंने आधी आधी चम्मच मैंने चॉकलेट की डाली है, बीच में मैंने किशमिश रख दी है, कहीं पे मैंने चॉको चिप्स रख दी हैं, कहीं पे मैंने काजू रख दी हैं, कहीं पे मैंने बादाम रख दी हैं और कहीं पे मैंने वॉलनट्स रख दी हैं। अब इसके बाद और मैं आधी आधी चम्मच और डाल रही हूँ जिससे पूरा फिल हो जाएगा ये अच्छी तरह से, और बीच में जो हल्का सा क्रंच आएगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स इसके निकल जाएं। अब ये देखिए चॉकलेट आधे घंटे में तैयार हो गई है। इसको मैंने फ्रिज में रखा था, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसको आप आइस बॉक्स में भी रख सकते हैं। अगर आप आइस बॉक्स में रखेंगे तो आधे घंटे में बनके तैयार हो जाएगी, नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसको जमने में। तो ये तो मैंने नॉर्मल वाली चॉकलेट निकाल दी है, ये ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट निकाल रही हूँ मैं। देखिए मोल्ड में से बहुत इजीली निकल जाती है, ये देखिए सारी निकल के तैयार हो गई है। ये 34 चॉकलेट्स मेरी आधे घंटे के अंदर तैयार हो गई है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो करें। अब थोड़ी सी चॉकलेट हम और बना लेते हैं, जो मेरे ड्राई फ्रूट बचे हैं अब इन सबको मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए सारी चॉकलेट के अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं मोल्ड्स में फटाफट भर लूँगी क्योंकि ये चॉकलेट फिर नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर जम नहीं पाएगी। अब मैं इसको टैप कर रही हूँ, इसके अंदर एयर बबल्स निकल जाएंगे। अगर चॉकलेट बोल के अंदर ठंडी हो जाएगी तो वो मोल्ड्स में भरी नहीं जाएगी, तो इसीलिए चॉकलेट ना ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। एक बार टैप कर लेंगे जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे इसके अंदर से। और ये देखिए ये भी आधे घंटे में सब बनके तैयार हो गई हैं। तो टोटल मेरी 70 चॉकलेट्स बनी हैं इतने मोल्ड्स के अंदर। मैंने दो बार ये मोल्ड भरे थे और 70 चॉकलेट्स बनके तैयार हो गई हैं। तो इस बार रक्षाबंधन पे तो मैं अपने भाइयों के लिए चॉकलेट्स लेके जाऊंगी, तो आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप अपने भाइयों के लिए क्या लेके गए। मार्केट में देखिए इस तरह से रैपिंग पेपर मिलता है जिसमें हम चॉकलेट को रैप करते हैं, और इस तरह की वायर भी मिलती है। ये देखिए ये इजीली आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, और इसको बीच में से मैं दो पार्ट में काट रही हूँ। ये वायर थोड़ी सी बड़ी है, ये देखिए वायर थोड़ी सी बड़ी है। तो पहले हम चॉकलेट को बीच में रखेंगे, इसके किनारों को उठाएंगे पेपर के और इसको ऐसे करके हम इसको रैप करेंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको रैप करके दिखा रही हूँ आप इस तरह से रैप करिए, और साथ में फिर इसको वायर को आप इसके साथ लगा दीजिए। ये देखिए वायर से मैं इसको टैग कर रही हूँ, तो ये देखिए अच्छी तरह से टैग हो गई है वायर से। इसको आप अच्छी तरह से मोड़ देना ताकि ये खुले नहीं आपका पैकिंग पेपर। ये देखिए तीन चार मैं आपको रैप करके दिखा रही हूँ, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है आपको कैसे ले जानी है चॉकलेट। ये देखिए चार मैंने बना के तैयार कर दी है।
और एक इस तरह का बॉक्स भी मिलता है मार्केट के अंदर, अगर आप चाहें तो उस बॉक्स में सजा के आप अपने भाई के लिए लेके जा सकते हैं। देखिए चॉकलेट कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है, तो आप भी अपने भाइयों के लिए लेके जाना। थैंक यू।